नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अरुणाचल प्रदेश में जब जदयू के 6 विधायक बीजेपी में अचानक शामिल हो गए, वो भी क्रिसमस डे के मौके पर, तो इससे सियासत में उबाल आ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सियासत की। नीतीश कुमार के विधायकों के टूटने के बाद तुरंत ही आरजेडी ने एक ट्वीट किया और कह दिया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने घात करके बड़ा तोहफा क्रिसमस डे का दिया है। अब इस पर ताजा बयान भी राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि राजद ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को न्योता दिया है। यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए एक और कवायद की है। पूरी खबर विस्तार से सुनिए। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने बीजेपी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कराने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इसे गठबंधन धर्म के साथ घात कहा जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि इसका संदेश स्पष्ट है कि अब भाजपा को नीतीश कुमार की कतई परवाह नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार साहस दिखाकर अगर कोई फैसला लेते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि बिहार की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताकर बहुमत दिया है, इसका ध्यान रखना होगा, यानी कि बहुमत भाजपा को मिला है। शिवानंद तिवारी आगे बोलते हुए कहते हैं कि एक अखबार में खबर छपी है कि हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाई जाए। ये आवाज धीरे धीरे तेज होने वाली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने जिस प्रकार नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया और उनका मकसद इसके पीछे क्या था, इसका पर्दा अब धीरे धीरे उठने लगा है। मतलब साफ है, राजद अब ये कह रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है। और चिराग पासवान का जिक्र करते हुए भी शिवानंद तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान को बीजेपी ने इस्तेमाल किया था बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ। अब ऐसे में एक बड़ा बयान ये भी देते हैं कि नीतीश कुमार अगर कोई साहस दिखाते हैं, समझिए इस बात को कि नीतीश कुमार से एक तो कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि बीजेपी ने उनके साथ घात किया, अब ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साहस दिखाएं और अगर कोई बड़ा फैसला लें, यानी कि अलग होने का कोई मन बना रहे हों तो उनका हम स्वागत करते हैं और इस फैसले का भी शिवानंद तिवारी स्वागत करते हैं। तो इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से राजद ने न्योता दिया है, आमंत्रित किया है अपनी ओर खींचने के लिए। और शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद बिहार की सियासत में थोड़ी सी उबाल जरूर आ गई है और बीजेपी का जो अरुणाचल प्रदेश का मामला रहा है उससे बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुई है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।